हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। और देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि एफआईआईज ने अपना रुख काफी हद तक चेंज कर दिया है। क्या तो कई महीनों से भारी बिकवाली हर दिन करते आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सही लेकिन खरीदारी इंडियन मार्केट्स के अंदर शुरू कर दी है। और मैंने कल आपको निफ्टी टुमारो की वीडियो में बताया था कि देखिए, जब एफआईआईज खरीदारी करते हैं तो उनका जो रुझान है वो कहां होता है, लार्ज कैप्स की तरफ। और जब भी लार्ज कैप कॉन्स्टेंटली चलना चालू कर दे, यानी कि हर दिन उनमें एक नया पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई दे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एफआईआईज खरीदारी लगातार करते आ रहे हैं। आज का क्या डेटा है एफआईआईज का, वो मैं निफ्टी टुमारो की वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंदर आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। देखिए, 10.12 मिलियंस के वॉल्यूम यहां पर रहे हैं, जो पिछले एक महीने के आई थिंक सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 16 अगस्त 2021 को रिलायंस के अंदर सबसे अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए हैं। इससे भी अच्छी बात क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं एनएससी के डेटा पर। यहां पर अगर आप देखेंगे, आज 1% से ज्यादा की तेजी के साथ में लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है। लेकिन डे हाई की बात करें तो 2203 रुपए तक का इसका डे हाई गया है आज का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 32 रुपीज नीचे ये बंद हुआ है अपने डे हाई से। लेकिन इस स्टॉक के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये पीक से नीचे आ भी गया है क्लोज होते होते, वो क्यों वो मैं अभी आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा। देखिए, इसका तकरीबन 2400 रुपए का 52 वीक हाई है पिछले साल 16 सितंबर का। एंड रिलायंस ने जितना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड देखा है, मुझे नहीं लगता और किसी लार्ज कैप ने इतना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड दिखाया हो। तो यहां से अगर एक ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम्स के सपोर्ट के साथ में, और हमें पता है, हम डेटा हर दिन चेक कर रहे हैं। देखिए, ट्रेंडलाइन स्टॉक्स पर अगर आप बने हुए हैं, हर दिन मेरी हर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं डेटा सिक्वेंशियली दिखा रहा हूं। FIAs कब खरीदारी कर रहे हैं, कब बिकवाली कर रहे हैं, DIAs बेसिकली किस तरीके का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें यह चीज तो समझ में आ रही है कि FIAs ने अपने कदम को ग्रीन कर दिया है। यानी कि अब यहां से अगर खरीदारी बनती है कॉन्स्टेंटली, तो रिलायंस जैसे स्टॉक और बाकी जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली यहां पर हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है कि रिलायंस के अंदर अब एक बड़ी तेजी बन सकती है। ये सारे डेटा को अगर आप क्लब करेंगे तो एग्जैक्टली आपके माइंड में ये चीज क्लिक हो जाएगी। 52 वीक लो 29 जनवरी 2021 का है 1830 रुपए का। तो देखिए, बेसिकली इसने ऊपर की रेंज नहीं काटी तो, लेकिन नीचे की रेंज भी नहीं काटी है। यानी कि लेवल है इसका, वो रेंज काफी बड़ी रेंज है जिसके अंदर ये ट्रैवल करता हुआ नजर आता है। सिक्योरिटी वेज डिलीवरी पोजिशन आप देखिए, एक अच्छी खासी तेजी के बाद में 41% की जो पोजिशन है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है, डिलीवरी उठाई गई है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे काफी अच्छा डेटा यहां पर निकल के आ रहा है। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं डेली चार्ट्स रिलायंस के। तो हम बात कर रहे थे इसके 52 वीक हाई की, जो इसने कब लगाया था वो देखिए, सितंबर में, सितंबर 2020 में, अप्रोक्सीमेटली 2400 का है, लेकिन 2400 इसने क्रॉस नहीं किया है। वहां से लेके नीचे आता है और एक नीचे की इसकी रेंज है 1840 की, जो इसने एंड कर दी थी इस साल जनवरी के अंदर। जनवरी के बाद में इसने इन लेवल्स को कभी टच नहीं किया। उसके बाद में जो इसके नए लोज बने हुए हैं वो मैं यहां मार्क करने जा रहा हूं। देखिए, दैट्स बीइंग ऑफ 1880 को भी इसने कभी दोबारा टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन ये स्ट्रांग सपोर्ट की तरह से देखा जाता है जब भी रिलायंस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आती है। अब अगर आप देखें, एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू को छोड़ के अगर आप रीसेंट की तरफ देखें, तो एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है पीक से। रीसेंट जो इसका पीक है, रीसेंट जो मैं कह सकता हूं कि एक लंबा स्विंग इसने बनाया था, उसके जो टॉप लेवल्स हैं, दैट्स बीइंग ऑफ 2275, 2275 रुपए का इसका ये नया स्विंग आपको रीसेंट में देखने को मिल जाएगा। वहां से गिरा है, इसने एक सपोर्ट लिया 2080 पे, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे इसने सपोर्ट लिया तकरीबन 2060 पे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर गिर गया। एंड इस बार जो इसने बॉटम बनाया, दैट्स बीइंग ऑफ 2022 रुपीज का, ये जो बॉटम बना ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाद में जो अगला स्विंग लो बना वो उसके ऊपर था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस स्विंग लो से अगला स्विंग ऊपर बना है, एंड इसीलिए ये अब यहां से एक हायर हाईज एंड हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ में। तो ये जो फॉर्मेशन बनती हुई जारी है, ये आपको कन्विक्शन दे रही है कि रिलायंस के अंदर बड़ी तेजी की संभावना है। साथ ही में वॉल्यूम्स कंसिडरेबली अगर आप देखेंगे, पिछले एक हफ्ते से काफी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तो 40% की डिलीवरी परसेंटेज आई है।
साथ ही मैं एक और लाइन मार्क कर रहा हूं जिससे आप बिल्कुल कहेंगे कि इसने अपने एक ब्रेकआउट क्लियर कर दिया है। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल्स थे 2150 के लेवल को इसने आज क्लियर किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग इनसे ऊपर ही हुई थी एंड उसके बाद क्लोजिंग भी इससे ऊपर ही हुई है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे आया है पूरे दिन में, अगर ये इसका डे हाई देखेंगे तो 2203 का है, वहां से खिसक के नीचे की क्लोजिंग जरूर दी है। लेकिन ऑल ओवर अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो जब हम लोग मार्केट से एंड हो रहे थे आज लगभग 2:45 से 3 बजे के बीच में, तब यूएस फ्यूचर्स गिरने लगे। यूएस फ्यूचर्स गिरे थे, कुछ ग्लोबल न्यूज ऐसी थी डेल्टा वेरिएंट को लेके एंड अफगानिस्तान के इशू को लेके, जिसकी वजह से हल्की सी नरमी आई है। और देखिए बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है अफगानिस्तान इशू को लेके, ये चीज मैं निफ्टी टुमारो की वीडियो में आज एक्सप्लेन करूंगा। और अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि अब एफआईआईज के रुख को कोई चेंज कर सकता है। तो यहां पर एक अच्छी तेजी बनने के आसार है। इन लेवल से आप डेफिनेटली इसको बाइंग के साइड में देख सकते हैं। अब एक कंसोलिडेशन एंड हुआ है, एक लंबा कंसोलिडेशन था, अब एक बड़ी तेजी आपको बनते हुए देखने को मिल सकती है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 2275 पर मिलेगा, इससे पहले स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है। तो 2275 के जो बेसिकली पुराना स्विंग हाई है वहीं पर इसका रेजिस्टेंस है। एटलीस्ट तब तक आप इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करूं तो देखिए स्टॉप लॉस बहुत लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो लेवल मैंने अभी आपको बताए थे, देखिए ये है तकरीबन 2070 के 2070 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में इसको पोजिशनली प्ले कीजिएगा। पोजिशनली प्ले से मेरा मतलब है कि इसको तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है। एंड जो टारगेट्स होंगे मेरा रहेगा प्रीवियस 52 वीक हाई जो कि है 2275 रुपए। 2275 रुपए के लिए आप इनको करंट लेवल से यानी कि 2170 रुपए से अपने पोर्टफोलियो में इसको एक जगह दे सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 2070 के आसपास का रहना चाहिए एंड बहुत अच्छे टारगेट्स ये आपको देगा। वंस 2275 ये क्रॉस कर जाता है आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। ये ब्रेकआउट लेवल कौन सा है ये भी ध्यान रखिए, 2150 पर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिएगा जैसे ही आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ अचीव होते हैं। एंड पोजीशन को अगर काटना है तो पार्शियली काटिएगा, अदरवाइज अपने प्रॉफिट को आप श्रिंक कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये 2400 रुपए तक के भी लेवल को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रिलायंस के अंदर इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मार्केट विल सीम्स अगेन टू बी वॉलेटाइल, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना ले। और स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तभी किसी स्टॉक में आप पोजीशनिंग बनाए। तो ये व्यू है मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर, जिसमें एक नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है काफी लंबे टाइम के बाद। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही पैक एंड मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।